हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, फिर मेथड के ऊपर वीडियो बनाया था, मेथड ओवरलोडिंग, फिर इनहेरिटेंस, ऊप्स के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमने वीडियो बना दिया है। तो अभी हम बात करने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सीधा चालू करता हूँ, मतलब मैं सीधा वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो आपको पूरा मेथड ओवरराइडिंग क्या है और वो वर्क कैसे करती है और इस चीज़ में एक पॉलीमॉर्फिज्म है, वो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, वो चीज़ आपको पूरी तरह से अच्छे से समझाता हूँ मैं, एंड देन फिर हम कोड करेंगे वीएस कोड में। ठीक है, एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले मेथड ओवरराइडिंग क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको। हमने मेथड ओवरराइडिंग का कोड किया था, बराबर, जिसमें मतलब हमारे को एक क्लास के अंदर मेथड होती है जिसका मेथड का नाम जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है, मतलब एक और सेम, उसका रिटर्न टाइप भी चाहे डिफरेंट हो या फिर वो भी सेम हो, बट लेकिन उसका पैरामीटर जो है वो डिफरेंट रहता है, तो उसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, बराबर। हमने कोड किया था, आपको याद होगा, पूरे एग्जांपल के साथ। ये देखो, सामने मैं कोड भी रखा हूँ ताकि आपको याद आ जाए, थोड़ा रिकैप हो जाए। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है कि ना, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था इनहेरिटेंस वाला, तो वो वाला कॉन्सेप्ट और मेथड ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट, ये दोनों मिक्स करके ही मेथड ओवरराइडिंग बना है। मतलब एक क्लास हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल पेरेंट क्लास बनाते हैं, फिर उसे एग्जीक्यूट करके, मतलब उसे एक्सटेंड करके हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं, बराबर। तो हम पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड बनाएंगे और चाइल्ड क्लास के अंदर एक मेथड बनाएंगे, ये दोनों मेथड का नाम, पैरामीटर नेम, मतलब रिटर्न टाइप एंड मेथड का नाम, ये सब चीज़ सेम मैच हो जाता है तो वो कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो यही है सिंपल डायलॉग, मतलब पेरेंट क्लास एंड देन चाइल्ड क्लास के, ये दोनों का मेथड अगर सेम हो जाता है, सेम नाम का, उसका रिटर्न टाइप भी सेम, पैरामीटर भी सेम, तो उस चीज़ को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओके, तो अभी आपको समझा होगा क्या है, मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन टाइप बता देता हूँ। वी आर लर्न अबाउट इनहेरिटेंस, बराबर। तो इनहेरिटेंस इज एन ऊप प्रॉपर्टी दैट अलाउ इट डेराइव ए न्यू क्लास, मीन्स सब क्लास डिराइव करती है, बराबर, एग्जिस्टिंग क्लास से, मतलब पेरेंट क्लास से। तो सब क्लास इनहेरिट्स द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ द सुपर क्लास, बराबर। तो हम चाइल्ड क्लास में जो होता है उसके एट्रीब्यूट मेथड जो होता है वो सब इनहेरिट, वो भी मतलब इनहेरिट होती है सुपर क्लास से, पेरेंट क्लास से। तो इफ़ द सेम मेथड इज डिफाइंड इन बोथ सुपर क्लास एंड द सब क्लास, देन द मेथड ऑफ द सब क्लास ओवरराइड्स द मेथड ऑफ द सुपर क्लास। अगर दोनों मेथड सेम हो जाती है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, मतलब सुपर क्लास और चाइल्ड क्लास की, तो आपका मेथड जो मैच हो जाता है नाम एंड पैरामीटर, उसको कहते हैं मैथ ओवरराइडिंग, बराबर। तो अभी मैं आपको दोनों का एग्जांपल लेके, मतलब कोड करने से पहले आपको दोनों का डिफरेंशिएट बता देता हूँ। ये देखो, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मतलब रीडेबिलिटी, कोड की रीडेबिलिटी ज़्यादा रहती है, मतलब इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड होती है, मतलब प्रोवाइड करती है स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड की भी बात करने वाले हैं, सुपर क्लास, मतलब सुपर क्लास, सुपर कीवर्ड की भी यहाँ पर हम बात करेंगे, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म विद इन क्लास, मतलब क्लास के अंदर ही मेथड ओवरलोडिंग होता है। और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, पेरेंट और चाइल्ड क्लास के रिलेशनशिप में होता है, मतलब पेरेंट में एक, चाइल्ड में एक, दोनों सेम, ऐसा। ठीक है, और मेथड ओवरलोडिंग का पैरामीटर सेम, मतलब डिफरेंट होता है पैरामीटर, एंड मेथड ओवरराइडिंग का पैरामीटर भी सेम ही होता है। ओके, एंड मेथड ओवरलोडिंग में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था क्या है वो। एंड देन मेथड ओवरराइडिंग में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, एंड देन इन जावा मेथड ओवरलोडिंग कांट बी परफॉर्म बाय चेंजिंग रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड, मतलब आप मेथड ओवरलोडिंग आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो, मतलब रिटर्न टाइप चेंज करके, मतलब परफॉर्म नहीं कर सकते हो। यहाँ पर देखो, मेथड ओवरलोडिंग कांट बी परफॉर्मड बाय चेंजिंग रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड ओनली। ठीक है, तो रिटर्न टाइप कैन बी सेम और ए डिफरेंट मेथड ओवरलोडिंग, बट यू हैव टू चेंज द पैरामीटर। आपको किसी से लेना देना नहीं है, पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए, तो मेथड ओवरलोडिंग होता है। और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, आपका नाम भी रिटर्न टाइप भी
पैरामीटर भी सब कुछ सेम रहेगा, बट क्लासेस डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम कोड करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत थियोरी टॉपिक बहुत भर भर के हो गई है, तो मैं भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी ज़्यादा बकवास कर दिया, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा चालू करते हैं, आई मीन स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ, यहाँ पर फाइल मैंने ऑलरेडी बना के रखा हूँ ताकि थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। एक क्लास बनाता हूँ एनिमल नाम की, ठीक है। तो उसके अंदर मैं देता हूँ वॉइड व्यू, मेथड बनाता हूँ उसके अंदर एक वॉइड व्यू, ठीक है। और उसके अंदर मैं सिस आउट कर दूंगा आई एम ए एनिमल, ठीक है। ये किधर गया, हाँ आई एम ए एनिमल। अब मैंने ये पेरेंट क्लास बना दिया। अब मैं यहाँ पर हाँ डॉग बनाता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, चाइल्ड क्लास बना देता हूँ, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं सिस आउट, ये सिस आउट क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये। तो अच्छा, हम मेथड डिक्लेयर करे बगैर ही हमने सिस आउट बनाना चालू कर दिया, ठीक है। तो उस चीज़ की वजह से नहीं आ रहा था, अब सिस आउट आएगा, आना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। ये देखो आई एम ए डॉग, आई मीन मैं नहीं हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, ये देखो पेरेंट क्लास बना दिया, चाइल्ड क्लास बना दिया, ठीक है। तो अभी मैं सीधा जाता हूँ और यहाँ पर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डी वन करके, ठीक है। तो डी वन क्या बोलता हूँ, वोडाफोन वाला कुत्ता, ठीक है, वोडाफोन वाला कुत्ता ऐसा मैं लेता हूँ। अच्छा खासा ऑब्जेक्ट का नाम लिया हमने, काफ़ी पॉपुलर नेम है ये, ठीक है, तो आपको पता होगा। और यहाँ से मैं वीव को आई मीन ये देखो चाइल्ड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर चाइल्ड क्लास के मतलब ऑब्जेक्ट के नाम से मैं यहाँ पर चाइल्ड क्लास के मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, बट पेरेंट क्लास में भी सेम नाम का मेथड है, बट यहाँ पर क्या होगा हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ, ये पहला एग्जाम्पल है मेथड ओवर राइडिंग का, यहाँ पर आपको पता चलेगा क्या सीन क्या है। ये देखो तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ये देखो हमने यहाँ पर क्या किया, देन चाइल्ड क्लास बनाया, फिर उसको इनहेरिट किया, फिर दोनों के अंदर मैंने मेथड सेम नाम का मेथड दिया, फिर दोनों में इसमें मैंने लिख दिया आई एम ए एनिमल एंड इसमें लिख दिया आई एम ए डॉग, और फिर नीचे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ऑब्जेक्ट को हमने मतलब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से ही चाइल्ड क्लास के मेथड को हमने कॉल किया और वो रन हुआ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको कुछ समझेगा, ये देखो यहाँ पर अगर हम सुपर कीवर्ड क्या होता है, यहाँ पर हम सुपर कीवर्ड का मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है। ये देखो सुपर कीवर्ड, सुपर डॉट व्यू यहाँ पर मैं लिख दूंगा। सुपर कीवर्ड वो होता है चाइल्ड क्लास में ना, हम चाइल्ड क्लास में हम जो होता है पेरेंट क्लास, उसका हम पेरेंट क्लास के मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, वो काम करता है यहाँ पर चाइल्ड क्लास, ठीक है। ओके तो आपको समझा होगा, अभी मैं रन करता हूँ, आई मीन तो अभी रन करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर भी अच्छे से। ये देखो आई एम एनिमल एंड आई एम ए डॉग दोनों प्रिंट हो गया, हमने सिर्फ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उस ऑब्जेक्ट से मैंने चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल किया, बट चाइल्ड क्लास के मेथड के अंदर हमने पेरेंट क्लास के मेथड को सुपर कीवर्ड के सहारे हमने उसको बुलावा दिया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको अगर दिखेगा, शायद शायद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आएगी, बट अभी तो जस्ट लोड हुआ था, मैं भी थोड़ा माउस कर्सर को हिला दिया था, माउस कर्सर ही हिलाया था गाइस, ठीक है। ये देखो तो मतलब अभी आ नहीं रहा, फिर भी मैं बता देता हूँ, वैसे भी आपको समझा होगा। सुपर कीवर्ड वो काम करता है, कोई भी चाइल्ड क्लास के अंदर हम पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करने का काम करते हैं, मतलब पेरेंट क्लास को कॉल करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप ध्यान रखो, तो ये होता है आप टू एक्सेस द मेथड ऑफ द सुपर क्लास फ्रॉम द सब क्लास, ठीक है। आप आपके मेथड सुपर क्लास के मेथड को आप एक्सेस कर सकते हो चाइल्ड क्लास से, वो काम करता है सुपर कीवर्ड, ठीक है। तो अभी हमने ओवरराइड भी देख लिया, ये क्लास है, ये क्लास है, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास, ओवरराइड भी देख लिया, ठीक है। तो ओवरराइड समझा होगा, सुपर कीवर्ड भी समझा होगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल लेके मैं समझा देता हूँ फिर भी आपको, ठीक है। तो मैंने दूसरा एक ओवरराइड बना के रखा है मैंने, अगर चाहिए तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अदरवाइज वहीं पर वीडियो ख़त्म करना था, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हाँ एक क्लास बनाता हूँ मैं, और ये हो गई
कंपनी, ठीक है, कंपनी नाम का हम पैरेंट क्लास बना रहे, और इसके अंदर मैं बनाता हूँ एड्रेस, कंपनी का एड्रेस, ठीक है, कंपनी का एड्रेस, एड्रेस किधर है, मुंबई में, ऐसा मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो एक और क्लास बनाता हूँ मैं, और ये लिखता हूँ मैं अमेज़ॉन, एक काम करते गूगल को लेते, अभी एक्सटेंड करेगी कंपनी, आई मीन पेरेंट क्लास से एक्सटेंड करके हमें चाइल्ड क्लास बना दिया है, इनहेरिट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी सेम, नाम का मेथड हम बनाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा दिस आउट, ये मैं लिख देता हूँ बैंगलोर लिख देता हूँ, काम करता हूँ हैदराबाद, काम करता हूँ चेन्नई लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी सही है, तो यहाँ पर हमने ये किया है, ठीक है, चलो। तो कंपनी हम क्या करते हैं, कंपनी ए लिखते हैं, और फिर सीधा, मतलब यहाँ पर मैं कंपनी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मतलब कंपनी, आई मीन अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ आपको पता चल रहा है, पैरेंट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ गाइस, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंपनी बी डाल के, और फिर ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, ठीक है, ये देखो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी गूगल दे देते ना, चलो कोई बात नहीं, गूगल दे देंगे, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास का भी हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है। सो अभी मैं यहाँ पर ए, ए क्या है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, बराबर। तो यहाँ पर ए से मैं एड्रेस, और बी से मैं एड्रेस कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो क्या होने वाला है, वैसे भी मैंने दोनों का ऑब्जेक्ट बना दिया तो दोनों ही कॉल होगा, ऑब्वियसली दोनों कॉल होगा, ठीक है। मुंबई था पेरेंट क्लास के, और ये चाइल्ड क्लास चेन्नई के, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, और इसको भी हटा देता हूँ, बस यहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, और उसका ही ऑब्जेक्ट के मदद से हम मेथड कॉल कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास के मेथड से, आई मीन चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं, ओके। तो अभी क्या होगा, सिर्फ चेन्नई आएगा, बराबर, ये देखो यहाँ पर आ गया चेन्नई आएगा बस। तो यहाँ पर हम सुपर कीवर्ड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, सुपर कीवर्ड बोला था भाई, सुपर डॉट एड्रेस, ओके। सुपर जैसी, जहाँ सुपर यूज़ कर लिए वहाँ पर आप समझो कि मतलब पेरेंट क्लास को कॉल कर लिया गया है, पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर लिया गया है, ठीक है। तो ये देखो मुंबई एंड चेन्नई दोनों आ गया। तो अभी आपको समझा होगा मेथड ओवरराइडिंग क्या है, मेथड ओवरलोडिंग क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक और टॉपिक यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हम मेथड ओवरराइडिंग भी देख लिए, सुपर कीवर्ड भी देख लिए, एक और चीज़ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने मेथड ओवरलोडिंग जब बता रहा था तब मैंने आपको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बताया था, अब मैं आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बताऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको ये देखो, ये पिक लेके मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, ये देखो पॉलीमॉर्फिज्म ओवरलोडिंग के, मेथड ओवरलोडिंग के टाइम पे क्या हो रहा था, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये देखो डिफरेंस क्या है कि ना, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, कंपाइल होते वक्त, कंपाइल मतलब कोड जब आपका ये होता है, मतलब मशीन कोड पे कन्वर्ट होते रहती है, कंपाइल होती है आपके जीवीएम, मतलब आपके इसमें कोड पे जो मशीन कोड कन्वर्ट होती है जब आप रन करते हो, तब उस टाइम पे मेथड जो होता है, एक से दो मेथड होते हैं अपने ओवरलोडिंग केस में, तो वो चेक करता है अपना ऑब्जेक्ट, अपना हम जो यूज़ करे रहते हैं ऑब्जेक्ट से मेथड को कॉल करते हैं, तब वो चेक करता है कि कौन सा मेथड बराबर है अपने लिए, तब चेक करता है, उसको कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये देखो ओवरलोडिंग मेथड वेयर मोर देन वन मेथड शेयर द सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर और सिग्नेचर एंड डिफरेंट रन टाइप, ठीक है। तो उसको कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वो होता है सुपर क्लास से चाइल्ड क्लास में हमने अभी जो बनाया मेथड, उस जिसमें पैरामीटर नाम सब कुछ सेम होता है, और वो डन होता है तभी रन टाइम पे, जब वो रन टाइम पे चेक करता है जब कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, इसलिए वो चीज़ को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं गाइस, ओके। तो अभी आपको रन टाइम, कंपाइल टाइम ये सब समझा होगा, ये सब मशीन कोड, मतलब बैक, पूरा बैकएंड वाला पार्ट है ये, जो मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म वाला चीज़ जो बताया वो कंपाइल टाइम और रन टाइम, ठीक है। तो ठीक है, फिर यहीं पर हम ख़त्म करते वीडियो,
तो होप सो कि आपको पूरी तरह से समझा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लेना, फिर भी एक आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो जाने से पहले आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना गाइस, हमारे चैनल के नाम के पेज को, और फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।